भीड़ में फंस गए थे अमिताभ बच्चन तो सेवियर बने जूनियर बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन अवार्ड लेने पहुंचे थे लेकिन फैंस ने लिया घेर तो अभिषेक बच्चन अपने पिता को संभालते हुए आए नजर। खुद की फिक्र किए बगैर आज के पति ने पिता को संभाला और वहीं भीड़ से जब उन्होंने उनको बचाया तो लोग कहने लगे कि बिग बी का बेटा है बड़ा संस्कारी। 81 साल की उम्र में अमिताभ के पास है असली हीरा। देखिए कैसे अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड बने घूम रहे हैं। पिता को भीड़ में फंसते देख बिना किसी की मदद मांगे खुद पापा को संभालने में जुट गए हैं। ना कि लोगों की चिंता, ना खुद की कोई फिक्र, बल्कि भीड़ में घुसकर पिता को दिखाया रास्ता। तभी तो सोशल मीडिया यूजर्स भी अभिषेक की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे और उन्हें आदर्श बेटा बता रहे हैं। दरअसल बुधवार को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बच्चन के साथ साथ ये फैंस के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था। बिग बी इस अवार्ड शो में व्हाइट कुर्ता और मल्टी कलर शॉल पहने पहुंचे थे। इस ग्रैंड अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन के अलावा AR रहमान जैसे कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। लेकिन सारी लाइमलाइट तो बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर चुरा ले गए। आखिर अमिताभ को उनके बेटे अभिषेक बच्चन इवेंट में लेकर गए थे तो ना सिर्फ वो उनको शो में लेकर गए बल्कि वो वहां पिता को पाप्स की भीड़ से प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आए। अब अमिताभ को कम ही इवेंट्स में स्पॉट किया जाता है तो जब भी पाप्स की नजरों में वो आते हैं हर जगह भारी भीड़ जमा हो जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमिताभ जब वेन्यू से बाहर आ रहे थे तो वहाँ फैंस और पाप्स की भीड़ लग गई। ये सब देख अभिषेक पहले बाहर आए और फिर काफी धैर्य के साथ मीडिया को संभाला। इसके बाद अभिषेक ने पिता के आगे जाने के लिए रास्ता बनाया। अब सोशल मीडिया पर उनके इस जेस्चर की तारीफ हो रही है। ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर सामने आया लोग जमकर कमेंट करने लगे। एक यूजर ने कमेंट किया, अमिताभ के पास सूर्यवंशम का असली हीरा है। दूसरे यूजर ने लिखा, बिग बी का बेटा बड़ा संस्कारी है। किसी ने कहा यह अमिताभ का पर्सनल बॉडीगार्ड है तो किसी ने लिखा बेटा हो तो ऐसा। ऐसे ही कई सारे कमेंट्स अभिषेक को पापा का ध्यान रखते हुए देख लोग कर रहे हैं। बता दें कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड को परिवार और ट्रस्ट ने दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर की याद में शुरू किया था। साल 2022 में उनकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई थी। बिग बी को बीते दिन इस अवार्ड से नवाजा गया है। सम्मान पाने के बाद बिग बी ने कहा कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें अवार्ड मिला है। उन्होंने तो ये तक कहा कि वो खुद को कभी ऐसे अवार्ड के लायक नहीं मानते थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।